हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड को देखेंगे जिसके अंदर अगर आप एकमुश्त पैसा जमा कर देते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको ना सिर्फ मंथली इनकम जनरेट कराकर देता है, बल्कि जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर भी आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशंस और किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हमारी मंथली इनकम भी ज़्यादा जनरेट हो और साथ के साथ हमारा जो कैपिटल है वो भी बिल्कुल सेफ रहे और उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें जब भी कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, खासकर जब हमें मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों म्यूचुअल फंड में SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रोवल प्लान कहा जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे SIP काम करती है। SIP के अंदर क्या होता है कि हम मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं और 5 साल बाद, 10 साल बाद या उससे ज़्यादा समय के बाद में फाइनली हम पैसे को निकाल लेते हैं। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रोवल प्लान के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले ही एकमुश्त पैसा जमा कर देते हैं और फिर उसमें से उसका कुछ हिस्सा हम विड्रोवल कर लगा देते हैं, यानी मंथली इनकम उसके अंदर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा किए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर और उसमें से आपने 5,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रोवल लगाया और 15% का उस फंड ने रिटर्न दिया, तो अगले 5 साल के बाद में 5 लाख रुपये बढ़कर 5,74,000 रुपये हो जाएगा और 3 लाख रुपये का हम विड्रोवल भी कर चुके होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको डुअल बेनिफिट्स एक साथ देखने को मिले हैं। पहला कि आपकी जो मंथली इनकम है वो जनरेट हो गई और दूसरा जो आपका कैपिटल था जो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था वो भी बढ़कर 5,74,000 रुपये हो गया है, यानी 74,000 रुपये की आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। अब दोस्तों, इस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहली बात हमें ध्यान ये रखनी है कि हम जो भी फंड सेलेक्ट करें वो लार्ज कैप कैटेगरी का या ब्लू चिप कैटेगरी का होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिल जाते हैं और वो भी 14%, 15% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको दोस्तों 12% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स दे देता है तो जो आपका कैपिटल है वो बिल्कुल सेफ रहता है। अब सपोज़ दोस्तों आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल तक ही इस प्रोसेस को चलाएं। आप अगर चाहें तो इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए चला सकते हैं। अब दोस्तों, इन सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो म्यूचुअल फंड के अलावा पोस्ट ऑफिस के अंदर या SBI के अंदर भी हैं, जहां हम एकमुश्त पैसा जमा करके वहां से विड्रोवल लगा देते हैं और हमें कुछ पैसा बढ़कर मिल जाता है। लेकिन उनके कंपैरिजन में दोस्तों यहां पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है रिटर्न्स का। वहां पर अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर चलाई जाती है, उसके अंदर भी हम एक ही साथ पैसा जमा करते हैं लेकिन वहां जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है और यहां हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 12% का रिटर्न या दोस्तों हमें 15% का रिटर्न मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि जो फंड हम सेलेक्ट करें वो लार्ज कैप कैटेगरी का हो और एटलीस्ट उसने 12% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हों। अब जिस फंड के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये है मेरे एसेट का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड की खास बात यह है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 5 साल में भी इस फंड ने 15.12% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 16.11% है और पिछले 1 साल में भी इस फंड ने 10.69% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इस फंड की सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और जैसा इस फंड का नाम है वैसी ही लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं सीधा कैलकुलेटर पर और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में कितना पैसा हमें दोस्तों रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों कि आप इसके अंदर 5,000 रुपये मिनिमम और उससे ऊपर जितना आप चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सपोज आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो आप विड्रोवल लगाएंगे वो 0.8% या 0.7% का लगाएंगे, यानी 1 लाख रुपए पर
आप 800 रुपये का विड्रोवल लगा सकते हैं। अब हमने देखा है इस फंड ने दोस्तों रिटर्न कितने प्रोवाइड कराए हैं। ओवरऑल इस फंड ने दोस्तों जो रिटर्न्स हमें दिए हैं वो 17% से भी ज़्यादा के हैं, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में हमें 15% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा दे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो हमारा टोटल विड्रोवल होगा अगले 5 सालों में वो 48,000 रुपये का होगा, और जो हमारा पैसा 1 लाख रुपये से बढ़कर दोस्तों कितना हो गया होगा, 1,32,071 रुपये, यानी 32,000 रुपये का हमें दोस्तों कैपिटल पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब दोस्तों आप अपने इस अमाउंट को, यानी जो 1,32,000 रुपये का अमाउंट है, इसे विड्रॉल कर सकते हैं, और जो 48,000 रुपये की आपको इनकम हुई है मंथली इनकम के रूप में या विड्रोवल के रूप में, वो बिल्कुल सेपरेट है। 32,000 रुपये पर कैपिटल जो गेन टैक्स होता है वो लगेगा, और उसके बाद में फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस में मान लीजिए आप लगा देते हैं 10 लाख रुपये, और 10 लाख रुपये पर हम लगा देते हैं दोस्तों 8,000 रुपये का विड्रोवल, क्योंकि 1 लाख पर हमें 800 रुपये का विड्रोवल लगाना है, यानी 0.8% टोटल इन्वेस्टमेंट का हमें विड्रोवल लगाना है। तो इस केस में 10 लाख रुपए पर हम 8,000 रुपए का दोस्तों विड्रोवल लगा सकते हैं। अब 15% का भी ये अगर हमें रिटर्न देता है तो 5 साल के बाद में जो हमारा टोटल विड्रोवल होगा वो 4,80,000 रुपए का होगा, और 10 लाख रुपए हमारा बढ़कर 13,20,000 रुपए हो जाएगा, यानी 3,20,000 रुपए का हमें अपने फंड के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स इस प्रोसेस को आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी चला सकते हैं, 2 साल के लिए भी चला सकते हैं, 5 साल के लिए भी चला सकते हैं, यानी SCSS स्कीम की तरह यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में 5 साल तक इसको चलाना ही चलाना है। आप जब चाहें तब अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को अगर मान लीजिए हम चला देते हैं 15 साल तक, तो 15 साल के टाइम पीरियड में जो हमारा 10 लाख रुपए है वो भी बढ़कर दोस्तों 32,63,000 रुपए हो जाता है, और 14,40,000 रुपए का हम विड्रोवल भी कर चुके होंगे, यानी हमें दो बेनिफिट्स एक साथ इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब फ्रेंड्स आप इस पूरे प्रोसेस का कैसे यूज करेंगे, कैसे आपको फंड सेलेक्ट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। कितना इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको विड्रोवल लगाना है इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के भी बिल्कुल आसान तरीका है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप जीरोधा के थ्रू या ग्रो के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। आपके पास में होना चाहिए डीमैट अकाउंट, और उस डीमैट अकाउंट से दोस्तों आप ईजिली इस पूरे प्रोसेस को कर पाएंगे। आप अगर चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी SIP भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो दोस्तों इसके अंदर SWP यानी कि लमसम पैसा इन्वेस्ट करके आप सिस्टमेटिक विड्रोवल भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।